नमस्कार, आप सभी का मेरी अपनी रसोई में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की इंस्टेंट मंगोड़ी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। इसमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं होता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं बेसन की इंस्टेंट मंगोड़ी की सब्जी। इंस्टेंट मंगोड़ी के लिए मैंने लिया है ये 2 बड़े चम्मच बेसन। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। पानी के छींटे ही मारने, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें। बेसन में मसाला और पानी मिलाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इसे भूनेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें हम अपने बेसन को भून लेते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी मंगोड़ियाँ और इनमें एक करारापन आ जाएगा। इनको तोड़ते हुए ऐसे भूनते रहें। मंगोड़ियाँ भुन गई हैं, ये देखिए लाल हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मंगोड़ियों को भूनने के लिए हमें टाइम लगा है तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। इसमें डाल लेंगे हम सबसे पहले हींग, 1 चम्मच डाल लेंगे जीरा, 1 लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए लहसुन अदरक हरी मिर्च का मसाला जो है वो भून गया है। अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ते और साथ ही में डालते हैं ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिए। अब यहाँ पे डालते हैं हम 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और मसाले को तेल अलग होने तक भूनेंगे। सभी मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 गिलास पानी और इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। पहले ये देखिए सब्जी की ग्रेवी में है, वो उबाल आने लग गए हैं। अब हम इसमें अपनी बेसन की इंस्टेंट मंगोड़ियाँ डालते हैं। मंगोड़ी डालने के बाद सब्जी हमारी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे और ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट पकने देते हैं।
सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए हमें पूरे 7 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। ये देखिए, जब आप सीजनल सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं तो आप ये बेसन की इंस्टेंट मंगोड़ी की सब्जी खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और कमेंट करके बताइएगा मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी।